नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेसिपी फॉर ऑल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है स्ट्रॉबेरी सेवई। इसमें स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने की कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने की विधि। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रखा है और इसमें एक टेबल स्पून घी डाला है। जब घी गर्म हो जाए तब हम धीमी आँच कर देंगे और धीमी आंच में हम काजू को रोस्ट करेंगे। जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हैं तो हमें इसे धीमी आंच में ही रोस्ट करना चाहिए, वरना बाहर से यह जल जाता है और अंदर एक कच्चापन रह जाता है। काजू को मैं धीमी आंच में रोस्ट कर रही हूँ। अब यह रोस्ट हो चुका है, इसे मैं बाहर निकाल लूँगी और अब हम किशमिश को रोस्ट करेंगे। इसे भी मैं धीमी आंच में ही रोस्ट कर रही हूँ। जब यह रोस्ट हो जाता है तो बिल्कुल फूल कर आ जाता है। देखिए अब यह फूलने लगा है। अब यह भी रोस्ट हो चुका है, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे और अब हम सेवई को रोस्ट करेंगे। मैंने आधा कप सेवई इसमें डाला है और इसे मध्यम आंच में लगभग 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए मैं रोस्ट करूंगी। हमें यह ध्यान रखना है कि यह जले नहीं। अगर आपको लगे या कहीं से जलने लगा है तो आंच को धीमा कर सकते हैं। जब यह रोस्ट हो जाए तब मैं इसमें आधा लीटर गर्म दूध डालूंगी। दूध को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यह रोस्ट हो चुका है, इसका रंग भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैंने आधा लीटर गर्म दूध इसमें डाल दिया है। दूध एकदम उबलता हुआ नहीं था, अब हमें इसके उबलने का इंतज़ार करना होगा। जब इसमें एक उबाल आ जाए तब हम इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे। इससे दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और सेवई में एक अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको लगे कि यह कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि इसमें गर्म दूध ही मिलाएं। मुझे भी यहाँ पर यह थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, मैंने इसमें एक कप गर्म दूध डाला है। अब हम इसमें स्वादानुसार शक्कर डालेंगे। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर डालने के बाद यह थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस डालेंगे। रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें डाल देंगे। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ड्राई फ्रूट्स की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, तो जो मेरे पास है मैं उसी से मैनेज कर रही हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब इसमें मैंने हर्शीज का स्ट्रॉबेरी सिरप डाला है। अच्छे से इसे हम मिला लेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए यूं ही छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम सर्विंग बाउल में डालेंगे। सर्विंग बाउल में इसे डालने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। इसे ठंडा ही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्व करने से पहले इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे।
और इसमें मैं थोड़ा हर्शीज़ का स्ट्रॉबेरी सिरप एक बार फिर से डाल रही हूँ। तो इस तरीके से तैयार हो गई है हमारी ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड सेवई। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको यह कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल के साथ ऐसे ही छोटे छोटे इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए बने रहिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।